बता दो कैसे चलता है ऐसा। क्या बच्ची। बच्ची। मंकी? और क्या है? बच्ची। इधर आओ बच्ची। गुड़िया की नानी, इधर आओ इधर आओ, चलो। हाँ इधर आओ, कहाँ छिप रही है? ओ अरे इधर आओ, कहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो इधर से, चलो चलो इधर से, इधर से चलो। गाड़ी गाड़ी में बाद में बैठना, बाद। हाँ तुम झाड़ू, ए नहीं पीटेंगे तुमको अभी हम, नहीं चलो। गुन 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 गुन, ड्र ड्र, ये क्या है? अच्छा आ जाओ, आओ बाद में बाद में। 3 hours later. तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। एक्चुअली अभी अभी एक अमेजन की तरफ से शिपमेंट आया है जो कि भैया लेके आए हैं सीतापुर से। क्या हुआ कि जब भी मैं गांव में होता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट मंगाता हूँ तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है इमलिया, वहाँ का डिलीवरी एड्रेस डालता हूँ और फ्लिपकार्ट से जितने भी प्रोडक्ट मंगाए मैंने वहाँ पर इजिली डिलीवर हो जाते। और अमेजन से जो प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे उनको आज डिलीवर होना था इमलिया में, बट इमलिया में नहीं हो पा रहे थे। मॉर्निंग में अमेजन एजेंट ने मुझे फोन किया, कहा कि भाई आपका प्रोडक्ट है और हम इमलिया में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सीतापुर में आगे ले जाओ। मैंने कहा ऐसा है, अगर तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे तो अपनी तरफ से कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं तो कैंसिल करने वाला नहीं हूँ। तभी पता चला कि जो भैया श्री हैं वो घूम रहे हैं सीतापुर में, तो मैंने कहा भैया लिया प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट मेरे पास आ चुके हैं और अभी हम करेंगे उनकी अनबॉक्सिंग। एक ये प्रोडक्ट है जो कि तकरीबन 2 किलो का है और इसमें है सिंपेक्स का है ट्राइपॉड स्टैंड, और ये कॉम्बो है बेसिकली कार क्लीनिंग के लिए जिसमें 4-5 प्रोडक्ट्स निकलेंगे जिनको कार की सफाई के लिए यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम इसको खोल के देखेंगे, बिकॉज इसका इंतजार मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं ये वाला ट्राइपॉड यूज कर रहा था जो कि इतना ज्यादा मजबूत भी नहीं है और इसे बार बार खोलने से दिक्कत भी हो जाती है। अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा है। यह है सिंपेक्स का VCT880+। तो ये है एक प्रोफेशनल वीडियो ट्राइपॉड सिंपेक्स की तरफ से, असली खजाना इसमें निकलने वाला है। तो यही है भाई सिंपेक्स का VCT880+ ट्राइपॉड स्टैंड। यहां पर 880 प्लस की मार्किंग भी की गई है। और ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी हाइट मेरे सर से भी ऊपर हो जा रही है अभी, और इस VCT880+ के आगे ये वाला तो बच्चा ही लगता है। इसको मेनली मैंने इस वाले फ्लूइड कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए लिया है, बिकॉज इसकी जो कंट्रोलिंग है वो बहुत ही स्मूथ है, किधर को भी करो यहाँ सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये एंड ये वाला कंट्रोलिंग के लिए है। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हम थोड़ा बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए ये है
और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो और भी अप की जाती है, यहाँ से बढ़ती है हाइट। बता दो कैसे चलता है, ऐसे ऊपर को उठा दो, ऐसे इधर घुमा दो, हमारी तरफ घुमा, हमारी तरफ घुमा, घुमा ऐसे, घुमा इसको ऐसे, बस 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 उधर घुमाओ। ऐसे चला लिए, रख दें, रख दें, हाँ बस करो और नहीं, फिर वीडियो बनाना कल तुम गुन्नू, वीडियो बनाना फिर गुन्नू। नहीं छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो, तो अभी टाइम है दूसरी अनबॉक्सिंग का, जो कि मैंने स्टैंड के साथ ही मंगवाई थी। तो इसमें कुछ काम्बो ऑफर्स हैं, इनमें ये कार क्लीनिंग के लिए एक ब्रश है जिसकी प्रॉपर टेस्टिंग कल ही होगी, एक्चुअली जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी टेस्टिंग कल ही हो पाएगी। ये एक वाइपर है जो कि कार के शीशों को साफ करने के लिए है, वैसे इसकी जरूरत कोई खास नहीं है, लेकिन साथ में था तो ये आया है। एंड ये है शायद कार का इंटीरियर साफ करने के लिए, इसमें यहां से हाथ फंसा के तब साफ किया जाएगा। और ये भी उसी काम के लिए है, अब इनमें से कौन सा इंटीरियर के लिए है और कौन सा आउटर के लिए है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो ये आउटर के लिए है या तो ये, इन दोनों में से कोई एक तो है जो पानी के साथ में मतलब काम करेगा, जब कार पर पानी पड़ा होगा तब के लिए। और ये बेसिकली कार के ऊपर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए है, अभी मैं इसको खोल के असेंबल करूंगा। और ये कार के अंदर जो धूल मिट्टी जम जाती है जहां पर जो कारपेट होता है वहां पर, तो उसको झाड़ने के लिए, उसके बाद तो वैक्यूम क्लीनर अपना काम कर ही देगा। इसे मुसम्मल में करने में कुछ भी खास नहीं करना है, बस इसको लगाओ एंड ये तैयार है। तो ये कार को बाहर से साफ करने के लिए है, यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ था, सारी चीजें मैंने देखी नहीं थी। और ये है इंटीरियर साफ करने के लिए, जो धूल मिट्टी जम जाती है उसके लिए। इन सब प्रोडक्ट की टेस्टिंग कल ही हो पाएगी। मैंने कार को बाहर खड़ा कर दिया ताकि उस पर अच्छे से धूल मिट्टी जम सके, उसके बाद में देखेंगे ये सारी चीजें बढ़िया काम करती हैं या फिर नहीं।